या बिल्कुल, आज सारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बडी, और आज उसके वीडियो का लॉन्च है और उसके वीडियो का नाम है ब्लैक हार्ट, एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक कॉस्ट्यूम, यू नो, इसलिए तुम्हारा ज्यादा हॉट ब्लैक क्या हो सकता है, मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है एक्चुअली, मैं को रोक नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई तुम्हारा तुम इसके इशारे की नजर हार्ट पे जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है, यू नॉटी, डोंट डू दिस। सो आई वांट टू से दैट के सारा ने सिंगिंग किया है इसमें, शी संग सो नाइसली, आई लव हर वॉइस एंड वीडियो इज अमेजिंग, स्पेशली हर लुक्स, स्पेशली एंड इट्स लुकिंग इंटरनेशनल, एकदम इंटरनेशनल, या एग्जैक्टली, आफ्टर सो लॉन्ग एक वीडियो ऐसा इंडिया में आया जो बहुत इंटरनेशनल दिख रहा है एक्चुअल में। सारा इज लुकिंग अमेजिंग इन द वीडियो एंड संग बाय सारा, तो ब्लैक हार्ट जो जितने भी लोग हैं वो जरूर देखे भी और सुने भी, बिकॉज आप एक पल में आप जज ना करें, बिकॉज उसे गाना पड़ता है, उसे सिंगिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एंड उन्होंने पूरा फ्रॉम हर हार्ट इज रेड बट ब्लैक हार्ट किसे कहते हैं, मैं बताऊँ, ब्लैक हार्ट उसे कहते हैं जो पीछे से बिचिंग होती है, जो लोगों की ब्लैक हार्ट होते हैं, यू नो, जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हूँ, अब कितने लोग मेरे पीछे बिचिंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लैक हार्ट। एग्जैक्टली। सो सारा का भी वीडियो ऐसा ही है, वेरी इंटरनेशनल, आई लव इट, डिड यू लाइक इट? ऑफ कोर्स, स्पेशली हर लुक, स्पेशली हर न्यूड लुक इन द कॉटन, वाओ, कॉटन में सारे पूरा न्यूड लुक, आई लव इट, वेरी गट्सी वीडियो, बहुत गट्सी, आई वांट टू डू, आई सारा, आई वांट टू डू कॉटन में, मैं भी एकदम न्यूड लुक करना चाहती हूं। आप फूलों में करना ना? किसमें? फूलों में। फूल तो मैं खुद हूँ, मैं कांटों में करूंगी। राखी, आपने भी काफी सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, म्यूजिक एल्बम्स में आप काम कर चुकी हैं, तो इस एल्बम के लिए क्या कुछ टिप्स अगर आपने सारा को दी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आई शुड गिव हर टिप्स, शी इज हर सेल्फ, शी इज ब्यूटिफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंटरनेशनल हर वॉइस, बिल्कुल इंडियन सिंगर नहीं लग रही है, एंड लुक वाइज, हर फेस वाइज, हर लुक्स वाइज, हर डांस वाइज, हर पोज वाइज, शी लुक्स इंटरनेशनल। हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडिया में रहकर वर्ल्ड फेमस हैं। जहाँ तक अगर बात करें न्यूडिटी की, न्यूडिटी जो न्यूड पोज, न्यूड पोज दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो दिस इज योर ब्लैक हार्ट, आपको न्यूड क्यों दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक हार्ट, यही है वो गाने का नाम। हमें क्यों नहीं दिख रहा न्यूडिटी? हमें करने के लिए उसको, फॉरगेट अबाउट द गर्ल्स, बट शी इज लुकिंग, व्हाई डोंट आई, व्हाई कांट यू सी न्यूड, शी इज लुकिंग सो हॉट, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स नॉट मैटर ऑफ गर्ल, सो ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग। अच्छा, उसमें क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, हाफ उसका बॉडी दिख रहा है, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी आर्टिस्टिक एक्चुअली, वेरी अट्रैक्टिव, या है ना, अट्रैक्टिव, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी अट्रैक्टिव, शी शोड हरसेल्फ वेरी नाइसली इन द वीडियो, या काफी लोग इसका विरोध भी जताएंगे, उनको आप क्या संदेश जताएंगे? जताया तो नहीं ना, नहीं तो अभी तक वीडियो सामने भी नहीं आया है। ओके, तो कौन जताएगी? मुझे तो आप ही लग रहे हो जताने वाले, यू हैव अ ब्लैक हार्ट, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, कोई अगर जो भी उसके खिलाफ जाएंगे, सारा खान के खिलाफ, उसको मुझसे सामना करना पड़ेगा, मुझसे, रेड हार्ट से, जी हाँ, राखी सावंत से कोई भिड़ नहीं सकता, नो चांस, शी इज माय फ्रेंड एंड शी हैज डन अ हार्ड वर्क, हे सारा यार, ब्लैक हार्ट, she is the fantastic singer, I've told you about black heart, हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, very international voice you have and international video, especially your looks, and especially I like your looks, but I like your lyrics also, they ask me what is meaning of black heart, I say black heart वो होता है जो पीछे से bitching करते हैं, am I right? Yes. Yeah. And another thing is, आजकल लड़कियां भी लड़कियों को नहीं छोड़ती हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनके boyfriends को बदलने को लेकर, to everything they talk a lot. So एक लड़की को slut shame करने पर ये गाना है, जो मेरे personal experience है और मैंने अपनी ज़िंदगी पे बनाया है, जो कि हर लड़की को I think relate करेगा. So must hear the song. I want to say about Sarah. She's a very hardworking girl, very nice girl. And the most amazing person is Rakhi Sawant. Yes. Like she, exactly. She doesn't have black heart. Another thing, she doesn't have jealousy, जो कि हर किसी में होती है. और ये इंसान अपनी दोस्तों की दोस्त है, दोस्तों के लिए जान देती हैं,
दोस्तों को चाहती हैं कि वो जितने अच्छे दिख सकते हैं उतने दिखें। और हर लड़की ऐसा नहीं करती, हर लड़की आगे बढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती। शी इज द वन जो दोस्तों की दोस्त है, दुश्मनों की दुश्मन है। तो बच के रहना, बच के रहना। यू कैन यू सिंग योर सॉन्ग प्लीज? यस या ओके सर। इट्स कहंदा ये जमाना मैनू बिगड़ा, मैनू पल पल जज करदा, मेरी रूह विच वसदी मोहब्बत ते मैनू ब्लैक हार्ट तेरी कहंदा। वाओ, लाइक मेरे को आई लव इट, आई लव द लिरिक्स। यू नो देखिए मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक मुझे मूवी का कोई ऑफर नहीं आया, तो लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। आई होप दैट हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। एंड आई डोंट वांट टू बी द वन हु विल से ओ मेरे पास ये ऑफर है वो ऑफर है। बट आई वांट टू से अक्षय, शाहरुख, सलमान, प्लीज साइन हर फॉर योर मूवी बिकॉज़ शी इज द बेस्ट। लुक एट दिस, यस, हु डज दैट, हु डज दैट फॉर एनीबॉडी एस्पेशली आफ्टर ब्लैक हार्ट। Dude, she's a sweetheart, man. I don't care about... Okay, if she doesn't do what she does, she will not be who she is. Oh, wow. Guys, yeah. She is the one who had guts to do whatever she did. And I love her. I truly love her. Thank you. 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 तो पैसे की तैयारी बहुत करनी पड़ी। बाकी फैसल मियां फोटो वाले जो मेरे भाई हैं, इनका एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो। कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है, तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी, व्हाई? आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला रहे घूमना चाहिए? Why not? Very true, so very true. I'm so sorry to say that. आपने पर्दा किया है कॉटन से? I am कॉटन से पर्दा किया है। I am Muslim myself, and मेरी सिर्फ एक ही complaint है towards those people जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरके आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, आंखों पे, आंखों पे सालों को अंधा कर दो। ओह माय गॉड। नथिंग, मैं द ग्रेट खली जी के रेसलिंग में मैं गई थी। yes. मैंने बहुत इन्जॉय किया पंजाब में, बहुत मज़ा आया। बस सिर्फ मेरा वो उन्होंने इंग्लिश में बोला था एक रेसलर ने, रेबल ने, कि इज देर इज इन इंडिया एनी वन हु कैन चैलेंज मी, हु कैन कम इन द रिंग। और मैं ये भूल गई उसने पिटाई के बारे में नहीं बोला था। आई थॉट उसने कहा था कि डांस करने के लिए। सो यू नो, मगर सोचे समझे मैं रिंग में चले गए, मैं आके डांस वांस किया और मुझे पता ही नहीं चला उसने मुझे सारा कब उठा लिया कब पटक दिया। आई डिडंट नो दैट। और जब मुझे चोट लगी मैं होश में आई तब मैं पता नहीं कहाँ थी। और जब मैं होश में आई तो पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही थी कि तुम रिंग में गई क्यों। इवन आस्किंग, आई एम आस्किंग माय सेल्फ कि मैं रिंग में गई क्यों। मेरी किस्मत मत मारी गई थी, बट एक्चुअली व्हाटएवर इट इज, मैंने चैलेंज तो लिया, एक्सेप्टेड। और नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा शो में जाऊंगी सो आई विल टेक रिवेंज, आई मीन मैं रेबेल को पटक दूंगी। नो कमेंट्स ऑन दिस, सॉरी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हर ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट क्यों नहीं करेंगी? हेलो, ये क्वेश्चन भी मत पूछो। ऑफ कोर्स मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं। बाय द वे, आई एम मेकिंग अ सॉन्ग ऑन हर। ओह वाओ, शी विल बी फीचर्ड इन दैट एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माय सेल्फ दैट सॉन्ग। बस आप कर लीजिएगा प्लीज। अरे मेरी जान, मैं एक टांग पे खड़ी हूँ, देखो मेरे टांग पे कैमरा डालो। सी ऑन टांग, वन टांग, एक टांग पे खड़ी हूँ करने के। आई लव दिस वुमन मैन। इसके अलावा राखी मैम, अनिल द्रविड़ से जब
जब पूछा गया कि राखी सावंत बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो वो किस तरह से बोल रहे कि कौन है राखी सावंत, मैं किसी राखी को नहीं जानता। कौन, किसने बोला ये? अनूप जलोटा ने। एक सेकंड, अनूप जलोटा ने ही बोला था राखी सावंत भी अगर आएगी तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। और अनूप जलोटा अगर अब ये बोल रहे हैं तो हम सॉरी अनूप जलोटा जी, आपको थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे काम करना पड़ेगा। व्हाट्स रॉन्ग विद योर जल, योर लोटस बिकम वन इंसिडेंट। आई टेल यू वन इंसिडेंट, आई वाज इन लंदन शूटिंग फॉर समथिंग एंड देयर दे बिकॉज़ द कैमरा वाज देयर सो दे थॉट दैट आई एम एन एक्टर सो दे सेड ओ यू आर एन एक्टर आई सेड या दे वर लाइक फ्रॉम वेयर आई वाज लाइक फ्रॉम इंडिया लाइक ओ वाओ We know only two people from India. I was like, great, who all are they? They said Amitabh Bachchan and Rakhi Sawant. Oh my God. Wow. I was in London. I'm talking about a localite of London. A shopkeeper said Respect me. So, jo bhi karke Rakhi Sawant ka naam hua hai. Guts the usme jo usne apna naam banaya hai. Naam kya hai? And I respect that. And everybody knows Rakhi Sawant in India. Nobody can say that I don't know Rakhi Sawant. Wow. I'm really sorry for that. Thank you. And I do respect Anup Jalota ji. So Anup Jalota ji, I just want to say, you don't know me, so aapko duniya mein kuch nahi pata. I'm sorry. Wo aap bhool gaye. Aap bhool gaye ki aap mujhe music sikhana chahte the, aap mere sath dating karna chahte the. Aur ye to maine bhi dekha hai. Main Big Boss follow nahi kar rahi hu Anup Jalota ji ka. लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू क्योंकि ट्रेंडिंग पे था तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट और वहाँ उन्होंने बोला था भाई मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि सबको संगीत सिखाऊं अगर राखी सावंत भी मेरे पास आएगी तो मैं सिखा दूंगा। अभी राखी सावंत को कैसे नहीं जानते, ये तो अनूप जलोटा जी जो राखी सावंत को संगीत नहीं सिखाना चाहते उसके साथ शावर लेना चाहते हैं एंड आई एम नॉट शावर अली अंदर है शावर अली अंदर है कुछ ज्यादा हो गया बाय 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 ओके गाइस थैंक यू बाय 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 फाइनली ओके पटकी गई मेरी कमर में चोट आई फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो सॉरी आई कांट हेल्प वो शो हम लोग भी एक साथ कर चुके हैं अगर वैसा वो नाटक होता तो पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए राखी सावंत को एट दिस मोमेंट ये नाटक करने की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए नहीं कोई ऑलरेडी इतनी फेमस है उसको टांग तोड़ के फेमस होने की जरूरत नहीं है। Yes, because I don't do controversy. I never do controversy. I don't do. top 3 mein I feel Shrishant, I feel Shrishti? Deepika. Deepika? Yeah, they are really strong contenders. Yeah, okay. Yeah. Jasleen bhi bahut acha kar rahi hai. Jasleen ka I can't say that wo top finals mein ja sakti hai. But she's hot. Yeah, she's great. She's very hot. She's a great singer. Great singer, yeah.